कर जाए एक वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं रूपला राजपूत सर। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी एग्जाम के पर्पस से काफ़ी इम्पोर्टेंट। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया है ऑर्गेनिक पहला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक फार्मिंग का उद्गम स्थान कौन सा है। तो यह ऑप्शन दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, वी दिया है दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र, सी दिया है ब्राज़ील, डी दिया है पोलैंड। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे? पोलैंड। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का उद्गम कहाँ पे हुआ? पोलैंड। पोलैंड एक देश है, वहीं से ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे पहले स्टार्ट किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जैविक खेती शब्द किसने दिया। जो जैविक खेती शब्द जो है, कह सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द किसने दिया? तो ए ऑप्शन जो यहाँ पे दिया है रुडोल्फ स्टेनर, वी दिया है सर अल्बर्ट हॉवर्ड, सी दिया है एफ एच हॉवर्ड और डी दिया है लॉर्ड नॉर्थवॉल यानी वाल्टर जेम्स। तो राइट आंसर कौन सा होगा? लॉर्ड नॉर्थवॉल या वाल्टर जेम्स, याद रखिए सभी लोग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है विश्व का पहला जैविक देश कौन सा है? कौन सा जैविक देश विश्व में, कह सकते हैं विश्व का पहला जैविक देश कौन सा है? तो ए ऑप्शन दिया है स्कॉटलैंड, वी दिया है स्विट्जरलैंड, सी दिया है भूटान या एस्टोनिया, डी दिया है पुर्तगाल। तो राइट आंसर आप लोग जान रहे होंगे कौन सा होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, भूटान या एस्टोनिया। कह सकते हैं भूटान का दूसरा नाम क्या है? एस्टोनिया के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है ऑप्शन में भूटान ना दे तो एस्टोनिया आ जाए, तो एस्टोनिया आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग का जनक किसे माना जाता है? भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग का जनक किसे माना जाता है? ए ऑप्शन दिया है गौरी पार्थी, नरसिम्हा राजू यादव, वी दिया है सुभाष पालकर, सी दिया है रजत सेठ, डी है आकाश सिसोदरकर। ठीक है, तो कौन सा सही होगा बताएं सभी लोग। तो राइट आंसर यहाँ पे बी होता है, सुभाष पालकर। ठीक है, क्या है? भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग का जनक किसे माना जाता है? सुभाष पालकर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य कौन सा? पूछा भारतीय राज्य सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा क्षेत्रफल, याद रखिएगा। तो कौन सा होगा राइट आंसर यहाँ पे? मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी आपका सही होगा। क्षेत्रफल में पूछा है सबसे अधिक क्षेत्रफल में कहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखिए सभी लोग। क्वेश्चन है भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है? क्या पूछा? भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है? पूर्ण जैविक राज्य पूछा है, पहला कौन सा है? ठीक है, तो ए ऑप्शन झारखंड है, बी है उड़ीसा, सी मेघालय, डी सिक्किम। तो राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? सिक्किम, डी ऑप्शन। ठीक है, सिक्किम याद रखिएगा, पहला पूर्ण जैविक, पूरी तरीके से कह सकते हैं जैविक खेती सिक्किम राज्य में होती है, इसको वहाँ का दर्जा मिल गया जैविक खेती का। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेशनल सेंटर फॉर मतलब नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो आपको पता होगा ये गाजियाबाद में है, ठीक है, कहाँ पे है? गाजियाबाद में है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने पूरी संभावना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की जाए, सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश के पास है? तो ए ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है इंग्लैंड, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है इटली। तो राइट आंसर बताएं सभी लोग कौन सा हो सकता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ऑस्ट्रेलिया। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन ग्रो करता है कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अभी किसी एग्जाम में पूछा हुआ गया था क्वेश्चन, हो सकता है फिर से आ जाए। अगला क्वेश्चन है, IFOAM की स्थापना किस वर्ष में हुई? ए ऑप्शन दिया है 1970, बी दिया है 1972, सी 1971, डी 1973। तो राइट आंसर होगा 1972, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टिकाऊ कृषि का उद्देश्य क्या है? टिकाऊ जो कृषि है इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं क्या है। ए ऑप्शन दिया है बेहतर माहौल, बी दिया है सामाजिक और आर्थिक समानता, सी दिया है लाभप्रदता। तो यहाँ पे डी दिया है ऊपर के सभी, तो राइट आंसर यहाँ पे दिख रहे होंगे, चौथा है डी, मतलब ऊपर के सभी सही हैं टिकाऊ खेती के लिए। टिकाऊ खेती मीन्स होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है टिकाऊ खेती पर ही है, अगला क्वेश्चन है, टिकाऊ खेती की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण पूछी है, कौन सी विशेषता होगी टिकाऊ खेती की, सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी होगी? तो ए ऑप्शन है पारिस्थितिकी, सामंजस्य, बी दिया है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, सी दिया है मतलब थर्ड दिया है संतुलित इनपुट, और डी दिया है ऊपर के सभी। लेकिन यहाँ पे आप लोग जान रहे होंगे कि टिकाऊ खेती की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूछी गई है, तो सबसे महत्वपूर्ण आपकी कौन सी होगी? पारिस्थितिकी सामंजस्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे तो सभी हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूछिए, इसलिए पारिस्थितिकी सामंजस्य होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत या दुनिया में किसी भी अन्य यानी कि सिस्टम ऑफ फार्मिंग प्रणाली की तुलना में किस पर अधिक ध्यान दिया जाता है? कह सकते हैं वर्तमान में भारत या दुनिया में, वर्तमान में भारत या दुनिया में किसी भी अन्य सिस्टम ऑफ फार्मिंग प्रणाली की तुलना में किस पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है या दिया जाता है? ए ऑप्शन है फसल चक्र पर, वी है सुरक्षा फसलें, सी ऑर्गेनिक खेती, एंड डी मल्चिंग। तो आप लोग जान रहे होंगे सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे दिया जा रहा है, जैविक खेती मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्या आवश्यकता है?
यहाँ पूछा गया ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसकी आवश्यकता क्या है, क्यों कर रहे हैं। तो यह ऑप्शन दिया है संसाधनों का किफ़ायती उपयोग, वी दिया है मतलब सेकंड ऑप्शन साधनों का कोई उपयोग नहीं, सी दिया साधनों का सतत उपयोग, टी दिया है मतलब चौथा ऊपर के सभी। तो सबसे बेस्ट कौन सा होगा, थर्ड आंसर होगा संसाधनों का सतत उपयोग। ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्या विशेषता होगी, संसाधनों का सतत उपयोग मतलब लगातार कंटिन्यूस संसाधन जो होगी, जितना उसका उपयोग करेंगे वही ऑर्गेनिक फार्मिंग की आवश्यकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है टर्म परमाकल्चर वाज गिवन बाय, परमाकल्चर है ये टर्म किसने दिया। ठीक है, ए ऑप्शन दिया है विल मॉडिसन, बी दिया है मतलब दूसरा डेविड होलमैन ग्रैंड, ठीक है सी दिया है ए और बी दोनों, चौथा दिया है रॉबर्ट मैक ऑर्थर। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा तीसरा, क्या होगा ए और बी दोनों। तो इसका मतलब विल मॉडिसन और डेविड होम होल में ग्रैंड, ठीक है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एक्स है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किसी खेत एक वर्ष में केवल एक ही फसल लेना, एक वर्ष में कितनी फसल लेना, केवल एक ही फसल लेना तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाता है। तो ए ऑप्शन दिया है मोनोकल्चर, बी दिया है मोनोक्रॉपिंग, सी दिया है मल्टीपल क्रॉपिंग और चौथा दिया है अंतःसस्य। राइट आंसर आप लोग जान रहे होंगे कौन सा होगा, मोनोक्रॉपिंग मतलब एक ही खेत में एक वर्ष में केवल एक ही फसल। ठीक है, किसी खेत एक वर्ष में केवल एक ही फसल लेना मोनोक्रॉपिंग कहलाएगा, सीधी सी बात है। अगर बहुत सी क्रॉपें ले रहे हैं एक साल में कह सकते हैं तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कह देंगे, अगर हम लोग कोई खड़ी फसल में दूसरी फसल बोल देते हैं उसे अंतःसस्य बोल देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों के क्वेश्चन हुए कंप्लीट। ठीक, आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।